हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने साइंस का पार्ट टू लेकर आई हूँ, जो हमारा ऑडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी हिंदी में। इसका पार्ट वन हम काफ़ी पहले अपलोड कर चुके हैं और इसका पार्ट टू लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज से हम लोग पार्ट टू शुरू करेंगे और ये ऑडियो लेक्चर सीरीज है। इसमें मैं जो भी पॉइंटर्स हैं वो तो कराऊंगी, साथ में जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं वो भी साथ के साथ कराऊंगी। तो साइंस में इससे ज़्यादा आप लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या हमें पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ये मैं आपको टू द पॉइंट यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको साइंस के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम इसका सेकेंड टॉपिक करेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण। जो व्यूअर्स नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिटेल है वो देख लेते हैं। तो अरस्तु जो है वो समस्त जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जो कि था जंतु समूह और वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपने एक पुस्तिका जो कि सिस्टमा नेचुरा में लिखा हुआ है कि संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में वर्गीकृत किया है, पादप जगत और जंतु जगत। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। जीवधारियों का पांच जगत का वर्गीकरण जो किया गया है वो इस प्रकार है, और किसने किसने किया उसके बारे में हम देख लेते हैं। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने ले लिया था। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित पांच जगत में वर्गीकृत किया गया है। मैं पांच जगतों के नाम बता देती हूँ। पांच किंगडम जो है, पहला है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटेस्टा, थर्ड है पादप, फोर्थ है कवक और पाँचवा है जंतु। मोनेरा इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में स्थित है। ये दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होते हैं एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होते हैं। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ सम्मिलित किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे पादप के बारे में। पादप इस जगत में प्राय वे सभी रंगीन बहुकोशीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें जैसे शैवाल हो गया, मांस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हम बात करेंगे कवक की। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फिफ्थ हम बात करेंगे जंतु के बारे में। इस जगत में सभी बहुकोशीय जंतु भोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव भी इसी जगत के अंग हैं और मनुष्यों को भी इसी जगत के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब जीवों की जो द्विनाम पद्धति है उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वार्गिकी का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत विद, मतलब कि वैज्ञानिक जिसने उसे खोजा है, का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, या
जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है, वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। तो ऐसे ही बहुत सारे नाम, बहुत सारे जो भी जीवधारी है उनके हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो एक पहला क्वेश्चन इसमें, जैसे बिहार पीएससी 1995 में आया हुआ, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम कब हुआ था लगभग? तो ये हुआ था लगभग 2 बिलियन वर्ष पूर्व इसका आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है यूपीपीएससी मेंस 2008 का, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो वो है नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णावाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है उन पे, मतलब कि ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे, और सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एनपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन, तो ये किया था डार्विन ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसने जीव विकास को समझाया था लैमार्क ने, बिहार पीएससी 1999 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हम किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, ये यूपीपीएससी 2005 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूची मिलान है तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। जैसे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना थी बीडन और टैटम की, और ऑपेरॉन अवधारणा थी जैकब और मुनेड की। ये आईएस 1998 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक कौन सा है? तो ये प्राकृतिक वरण है विकास का मुख्य कारक। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना किससे स्पष्ट किया जाता है? तो इसको स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वे हाल ही में विलुप्त हो गई? ये आरएस 1992 में, तो उस टाइम की बात है ये। तो चीता जो है वो अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं कौन इसमें? तो ये हैं क्रो मैग्नॉन मानुष, बिहार पीएससी 1994 का क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है इनमें से? तो ये है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, आर्कियोप्टेरिक्स, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये है सरीसृप और पक्षी के वर्ग के बीच की। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ पूर्वज है हाथी के। ये जो प्रजाति है वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, मैमथ जो प्रजाति है वो। डायनासोर थे ये कौन थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे। यूपीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम, डायनासोर रहे हैं कौन से युग में रहे थे? तो जैसे अभी हमने बात की मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है इसमें? तो जीवों के विकास के संदर्भ में सबसे पहले सालामेंडर का विकास हुआ लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, फिर उसके बाद कंगारू, और सबसे बाद में यहाँ पर सॉरी उसके बाद अजगर आए, और उसके बाद कंगारू का विकास हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जीवधारियों में जो संख्या में सबसे अधिक अब तक ढूंढे गए जीवों में सबसे अधिक संख्या कितनी है? मतलब संख्या के आधार पर हमें बताना है कि अब तक ढूंढे गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो वो कीटों की है, कीट सबसे ज़्यादा अब तक ढूंढे गए हैं, लगभग 60% कीट पूरे ढूंढे गए हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें कथन और कारक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। इसमें कथन और कारक दोनों सही है, और कथन कारक जो है वो कथन का स्पष्टीकरण भी है। अब मैं कथन और कारक दोनों बता देती हूँ। अमीबा विभंजक द्वारा जनन करता है और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, आंसर है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। वो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। ये आरएस 1996 का क्वेश्चन। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले मैं सही बताती हूँ और लास्ट में सही नहीं बताऊंगी। तो सही कथन है, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर में से विद्यमान होता है, उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ये सही है तीनों, और जो गलत है वो है सभी इकाई नोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, आईएएस 2002 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, तो स्टारफिश मछली नहीं होती है, शॉफिश, पाइप फिश और गिटार फिश तीनों मछली होती हैं। और भी मछलियों के नाम बता देते हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु वे मछलियां नहीं होती, मैं उसके नाम बताती हूँ, जैसे कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश, ये सब मछलियां नहीं होती है, समुद्री जंतु होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी वास्तव में इसमें से मछली है, तो इसमें से कैटफिश मछली है और रजत मीन, क्रेफिश और जेलीफिश ये तीनों मछली नहीं है। इसमें से फिर से वही क्वेश्चन कि मछली कौन सी इसमें से है, तो समुद्री घोड़ा एक मछली होती है, स्टारफिश, जेलीफिश और डॉगफिश ये मछली नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी इसमें से मछली है एक, तो फिर हम बात करेंगे फिर वही समुद्री घोड़ा मछली है और समुद्री कुकुम्बर, समुद्री गाय और समुद्री बाघ ये तीनों मछलियां नहीं होती हैं। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो वेल मछली सबसे बड़ी स्तनपाई है। वेल किस वर्ग का प्राणी होता है, तो वेल होता है स्तनपाई वर्ग का प्राणी। अब इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा स्तनपाई है, तो वेल स्तनपाई है, बाकी सब स्तनपाई नहीं है। तो जो नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ, सार्क, स्कर्विड और ऑक्टोपस स्तनपाई नहीं होते हैं। इसमें से प्रजातियों में कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो दांत वाली वेलों में विशालतम स्पर्म वेल होती है, बाकी जो वेल्स हैं वो है फिनबैक वेल, ब्लू वेल और हमबैक वेल। तो स्पर्म वेल है वो दांत वाली वेलों में सबसे विशाल होती है। ये UPSC 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो एक्डिना जो होता है वो अंडे देता है, एक्डिना और बच्चे नहीं देता, यही कंगारू, वेल और सेही तीनों बच्चे देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है, तो चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपाई है, MPPCS 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता, उड़ने वाले जीवों में पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं है, तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं है, ये स्तनपाई होता है, बाकी कौआ, चील, तोता तीनों पक्षी वर्ग में है। अब इसमें बताना है कौन सा इसमें से स्तनधारी है, तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी होता है और समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं होता। समुद्री घोड़ा एक मछली होती है और ये स्तनधारी नहीं होती। डॉल्फिन क्या होते हैं, तो डॉल्फिन स्तनधारी होते हैं। सील किस जाति का होता है, इनमें से सील किस जाति का है, तो सील होता है स्तनपाई, सील स्तनपाई जाति का होता है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है, तो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मेंढक और तोड़ आदि। इनमें से कौन सा गुण मनुष्यों को सभी वानर गुणों से अलग करता है, ये आपको बताना है, तो मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ आपको, जानने की इच्छा प्रकट करना। तो मनुष्य में दिमाग होता है और वो जानना चाहता है, इसलिए वो
सभी वानर गुणों से अलग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें से कौन सा कपी नहीं है, ये हमें बताना है, मतलब कि कौन सा इसमें से बंदर नहीं होगा। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंग उटान। तो लंगूर को बंदर नहीं कहा जाएगा। मानव सदृश सबसे छोटा मतलब लघुतम कपी इसमें से कौन सा होता है, सबसे छोटा है गिबन, गिबन सबसे छोटा कपी होता है, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगउटान बड़े आकार के कपी होते हैं, ये महाकपी की श्रेणी में आते हैं। आगे हम बात करेंगे नील गाय किस कुल में आती है, तो नील गाय हिरण के कुल में आती है। ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस मृदु कवची मोलस्क होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, तो सबसे बड़ा है स्कविड, कोलोसल स्कविड सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ये अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का सही वर्ग का नहीं है, मतलब इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो बताना है। तो केकड़ा, बरुथी, बिच्छू और मकड़ी, तो केकड़ा सबसे अलग है और बरुथी, बिच्छू और मकड़ी एक ही वर्ग के हैं। व्हाइट लेन हॉर्न एक किस्म है, किसकी किस्म है, तो ये कुक्कुटों की किस्म है, व्हाइट लेग हॉर्न। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, तो ये मकड़ी वंशी होते हैं टिक और माइट। जुगनू क्या होता है, जुगनू एक कीट होता है, कीट के परिवार का होता है जुगनू। कौन सा इसमें से कीट नहीं है, तो ऑप्शंस है खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर। तो मकड़ी इसमें से कीट नहीं है, मकड़ी एक जंतु होती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगे, इसलिए वो कीट से भिन्न होती है। इनमें से कौन सा कीट नहीं है, तो सेम आंसर मकड़ी। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, रात्रिचर मतलब रात में चलने वाले, रात में करने वाले, तो मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू रात्रिचर होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे और एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैं सबके तो नहीं बता रही हूँ कौन से ईयर्स में आए हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। मच्छरों के बारे में कथन दिया हुआ है, उसमें से हमें सही कथन बताना है, तो मैं केवल सही आपको बताती हूँ। केवल मादा रक्त चूसती है और नेक्स्ट है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो केवल मादा जो मच्छर होते हैं वो रक्त चूसती है और नर मच्छर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो ऊंट होते हैं जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं क्योंकि उन्हें शरीर जब भी जल की कमी होती है तो वो वहाँ से पूरी करते हैं। तो IAS 1994 का क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस संभाग की हैं, किसकी समांग है, सॉरी किसकी समांग है, तो ये कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है सांप के जहरीले विष दंत। चट्टान पे उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद, शैलोद्भिद चट्टान पे उगने वाले पादप होते हैं। कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो घटपर्णीय कीटाहारी पादप है जो कि कीटों का शिकार करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, घटपर्णी के किस भाग में या कौन से भाग में एक घट, कौन सा एक घट रूपांतरित होता है, तो ये पत्ता होता है जो घट के रूप में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो जो सुमेलित है मैं आपको पहले बता देती हूँ, यीस्ट का किण्वन होता है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृत बीजी है, और यहाँ पर जो घट पर्णी है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निपेंथिस
खांसी आना जो कि घट पड़नी उसे कहा जाता है, एक दुर्लभ एवं आपतीय पौधा है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है, गारो खांसी और जयंतिया की पहाड़ियों में। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के तने से हमें हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक कौन सा हिस्सा है? तो सेम अभी प्रकंद, प्रकंद माने तना, जो हल्दी के खाने वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सके वे है ड्रूप। ड्रूप फलों का प्रकार होता है जो लीची के अंतर्गत आता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहा जाता है भिन्न काल पक्वता। नेक्स्ट, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंदी को एक रूपांतरित जड़ कहा जाता है। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद तना नहीं है, शकरकंद जड़ होती है। बाकी जो तना है उसके बारे में मैं बता देती हूँ, गन्ना, अदरक और आलू एक रूपांतरित तने का रूपांतरण होता है। कौन सा इसमें से तना है? तो अदरक एक तना है, वही शलगम, गाजर और शकरकंद, शलगम, गाजर और शकरकंद जड़ होते हैं तीनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट हम जैसे कि यहाँ पर मैचिंग दी हुई है तो मैं डायरेक्ट आपको मैचिंग आंसर बताती हूँ। अदरक जो है प्रकंद होता है, आलू स्तंभ कंद होता है, लहसुन शल्क कंद होता है और जिमी कंद जिसे सूरन भी कहा जाता है धन कंद होता है। तो काफ़ी सारे यहाँ क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, बट और भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर लूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट पार्ट जल्द लाऊँगी और आपको आगे यहाँ कोर्स कंप्लीट फटाफट हम लोग करेंगे। तो हब आपको अब की वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।